किसी भी स्तर पर कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाए, एमपी चुना जाए, एमएलए चुना जाए, कोई पंचायत समिति जिला परिषद का सदस्य चुना जाए, प्रधान चुना जाए, जिला प्रमुख चुना जाए, प्रदेश की सरकार बने, जिले की जिला प्रमुख बने, जिला पंचायत बने या देश की सरकार बने, सरकार से लेकर के जिस तरह की अपेक्षा और चुने हुए जनप्रतिनिधि को लेकर के जिस तरह की अपेक्षा लोगों के मन में होती है, सामाजिक कार्य को लेकर के, सार्वजनिक कार्य को लेकर के और व्यक्तिगत कार्य को लेकर के जिस तरह की अपेक्षाएं होती है, चुनाव जनप्रतिनिधि और सरकार 100% लोगों की अपेक्षा पूर्ति कर सके ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर भी कहीं किसी की अपेक्षा पूरी न होने के कारण से यह स्वाभाविक है कि किसी की छोटी मोटी नाराजगी किसी विषय को लेकर के हो सकती है। छोटा मोटा जो है नाराजगी, ये माताएं अभी मेरी यहाँ बैठी थी, आक्रोश व्यक्त कर रही थी कि इनके यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ, यही समस्या है। अभी उसका भी खुलासा करता हूँ, आप चिंता मत, इनको इस बात की नाराजगी है, स्थानीय विधायक से नाराजगी है कि इनके घर में पीने का पानी नहीं आ रहा। छोटी छोटी नाराजगी किसी विषय को लेकर के हो सकती है, किसी बार किसी को इस विषय को लेकर के नाराजगी हो सकती है कि भाई भोपाल जी हमारे मंत्री बन के हमारा फोन नहीं उठा, वो भी नाराजगी हो सके कि देवजी भाई संसद में जावे तो हमारा फोन नहीं उठा, मैंने ठा नहीं पाया, किसी की इस बात से भी नाराजगी हो सकती है कि मैं सरपंच साहब एक दिन मोटरसाइकिल पर जा रहा, मैं उठे रास्ता में उबो, सरपंच साहब ने मैं रामा सामा किया, सरपंच साहब आ रहे हम ही बाड़ी नहीं है मोटरसाइकिल चलेगा, मैं पैदल पैदल आया हूँ, मनो वास्तव में मारे नाराजगी, किसी छोटे मोटे विषय को लेकर के नाराजगी हो सकती है। लेकिन अब की बार राजस्थान में जिस तरह का आक्रोश जनता के मन में, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का गुस्सा है, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का क्रोध है, और उनमें से बहुत सारे विषयों की चर्चा भी आदरणीय है ज्ञान जी ने की है, वो जो गुस्सा क्रोध और आक्रोश है उस आक्रोश को संकलित करके और एक ज्वालामुखी के रूप में संचित करके एक धमाके के साथ में इस राजस्थान की वर्तमान कुराज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये जन आक्रोश यात्राएं राजस्थान में हो रही। मैंने अब की इलेक्शन कमीशन को भी मैं और देवजी भाई जाकर के एक बात कहने वाले, एक अनुरोध इलेक्शन कमीशन को अब की बार करने वाले, क्योंकि मुझे राजस्थान भर में जाने का मौका मिला है। राजस्थान के 200 विधानसभाओं में से 30-40 विधानसभाओं में अलग अलग जगह अलग अलग जन आक्रोश यात्रा के निमित्त और पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों के निमित्त पिछले कुछ दिनों में जाने का मौका मिला। राजस्थान की जनता का जिस तरह से राजस्थान की सरकार के प्रति आक्रोश है, कांग्रेस पार्टी की तरह के प्रति जो आक्रोश है, हम जाकर के चुनाव आयोग को अब की बार एक बात कहने वाले कि अब की बार जो राजस्थान में जब चुनाव आवे तो चुनाव में जो वोटिंग मशीन भेजो ईवीएम वो थोड़ी कोई हेटी भेजो, हेटी खटकारी भेजो, क्योंकि जनता री खाकार दटन दबाए अवके जो मशीन ने सबने तोड़ पाची भेज दी, इस तरह का आक्रोश जनता के मन में। और अगर हेटी नहीं मिले तो भाई एक बूथ में थे एक स्पेयर भेजो तो 2-3 तपर ही टूटे, इस तरह का आक्रोश राजस्थान की जनता के मन में। और वो आक्रोश इसलिए है कि राजस्थान के हर वर्ग के साथ में, राजस्थान की जनता के हर वर्ग के साथ में इस सरकार ने धोखा करने का काम किया। किसानों के साथ में धोखे की चर्चा की, युवाओं के साथ में धोखे की चर्चा अभी आदरणीय ज्ञान जी ने की थी। मुझे याद आता है 2018 का चुनाव जब संपन्न हुआ था, चुनाव का रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट आने के बाद में सरकार बनी नहीं थी क्योंकि इनके बीच में आपस में खींचातान चल रही थी। सचिन पायलट साहब दिल्ली से जयपुर आ रहे थे और अशोक जी जयपुर से दिल्ली जा रहे थे, शटल कॉक बने हुए थे बीच में जो है इधर से उधर और उधर से उधर आना जाना हो रहा था। उस समय में मैं जोधपुर आया हुआ, मेरा जो जोधपुर का घर है उस घर के बिल्कुल करीब में, बिल्कुल पास में कोने पे सड़क के कॉर्नर पर एक बैंक, मुझे बैंक के बाहर 8-10 युवक खड़े हुए मिले। मैंने ड्राइवर से कहा अपनी गाड़ी रुकवाई, मैंने जब बच्चों से बात की मैंने कहा भाई आज बैंक के सामने किस लिए आए हो, तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, राहुल गांधी जी ने वादा किया था, सचिन पायलट ने भरोसा दिलाया था, गहलोत साहब ने हमारे यहाँ आकर के मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो रोज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम सब पढ़ लिए, पढ़े लिखे हुए, परीक्षाएं हमारी अभी हो नहीं पा रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं, और उसके चलते अब हमको 3,500 भत्ता मिलेगा, इसके लिए हम अपना खाता खुलवाने आए। तो मैंने उनको कहा मैं भाई ये तो आराम हुआ, कम से कम मोबाइल रिचार्ज का पैसा घर वालों से नहीं मांगना पड़ेगा,
और कोई गुटखा खाता हो तो उसको भी पैसा घर वालों से नहीं लेना पड़ेगा, 3,500 रुपए सरकार देने वाली। 3 महीने बीत गए, 3-4 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा के चुनाव के बाद में मैं जब जोधपुर गया पहली बार, और उसके चुनाव के परिणाम आने के बाद में भारत सरकार में आप सबके आशीर्वाद से शपथ लेने के बाद में जब मैं जोधपुर गया, दूसरे दिन सुबह जब घर से निकला तो उसी बैंक के सामने 4-5 खड़े थे। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ, तुम्हारे पैसे आने लग गए क्या? तो उन्होंने कहा, भाई साहब पैसे तो नहीं आए, लेकिन इस 4 महीने में 500 रुपए का बैलेंस जो पैसे जमा कराए थे उसमें से 50 रुपए कट गए, इसलिए 450 वापस लेने के लिए आए, इस सरकार से हमको पैसा नहीं मिलने वाला। राजस्थान के जनता के साथ में, राजस्थान के युवाओं के साथ में केवल बेरोजगारी भत्ता नहीं देते, मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि राजस्थान का पुरुषार्थी युवा वो मेहनत करके परीक्षा पास कर लेता, वो मेहनत करके परीक्षाओं में सफल हो जाता, सरकारी नौकरी ले लेता, लेकिन राजस्थान के 70 लाख युवाओं के साथ में जिस तरह का धोखा इस नकल माफिया को जिस तरह से संरक्षण देकर के राजस्थान की सरकार ने किया, उस धोखे की चोट से राजस्थान के युवाओं में आक्रोश। जितनी परीक्षाएं अब तक हुई है 2018 से लेकर के अब तक, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई पेपर आउट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई पेपर आउट हो गया, अभी अभी समाचार आए पूछताछ हो रही है तब पता लगा है कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में पेपर 1 करोड़ रुपए में बिका, माफिया के लोगों ने खरीदा, 10-10 लाख रुपए में 65 जनों को बेचा, 6.5 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ के 6.5 करोड़ किए, और 65 लोगों का जो है पिछले दरवाजे से उसमें जूनियर अकाउंटेंट बनाने का काम। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आपके सबके भी परिवार के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने भी सपना देखा होगा कि मेरा बच्चा जो है पुलिस का थानेदार बनेगा, वर्दी पहन करके टोपी लगा करके आएगा, मेरा सम्मान मेरे समाज में ऊंचा हो जाएगा। उस परीक्षा में भी घोटाला हुआ, 80 लोग जो है उस परीक्षा में 80 थानेदार नकल के रास्ते से थानेदार बन करके आए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मित्रों, वापस खोद करके निकालेंगे उन 80 लोगों से जो पिछले दरवाजे से आए, उन सबको वापस दरवाजे के पीछे भेजने का काम करना है अब की बार। इसके लिए जो है जनता के मन में आक्रोश। राजस्थान में आरएएस की परीक्षा हुई, 18 में हुई, 21 में हुई, दोनों में पर्चा आउट हुआ। अब तो खोज इस बात की करनी है कि जो पर्चे आउट नहीं हुए तो उसमें पिछले के दरवाजे से कितने लोग आकर के आरपीएस और आरएएस और तहसीलदार बने, उनको ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकाले। मित्रों राजस्थान में पर्चा जब परीक्षा हुई, रीट में जिस तरह की चोट हुई, लाखों युवकों के भविष्य के साथ में जिस तरह की खिलवाड़ हुई, रीट की चीट के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था, पूरे प्रदेश में राजस्थान में युवाओं ने आंदोलन किया था कि इस नकल माफिया को अगर रोकना है, राजस्थान की सरकार 3 साल में एक भी परीक्षा बिना नकल के करवा नहीं पाई है। पटवारी की परीक्षा में, वनपाल की परीक्षा में, सारी परीक्षाओं में जिस तरह से घोटाला हुआ है, हमने मांग की थी कि ये सीबीआई को सौंप दो, सीबीआई को जांच सौंप दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, और जितने लोगों ने चोरी की है उन सबको जेल की सीखचों के पीछे भेजने का काम करेंगे। लेकिन अब जब एक बार फिर सरकार ने जो उसको सीबीआई को नहीं सौंपा, और अभी अभी जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आप ही के यहां से आकर के वो शिक्षक भर्ती घोटाले का जो है वो समाचार पूरे राजस्थान में आए, अब की बार पकड़े गए, पकड़ने वालों से पूछताछ की, उन्होंने ये समाचार दिए, लेकिन इसके साथ साथ में जो पकड़े गए उनका इतिहास भी सामने आ गया कि वो रीट के समय में भी पकड़े गए। आज मैं सिरोही की इस धरती पर खड़ा होकर के प्रश्न करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आपको जवाब देना पड़ेगा कि सुरेश बाबल को पिछली बार रीट के समय में जब अरेस्ट किया था तब किसके दबाव में छोड़ा था। ये राजस्थान की पुलिस के मुखिया को और मुख्यमंत्री को, दोनों को, राजस्थान के 70 लाख युवाओं को बताना पड़ेगा। जो रीट की परीक्षा में चोरी करते हुए पेपर नकल कराते हुए पकड़ा जाए वो 3 महीने बाद में भारत जोड़ने वालों के साथ में फोटो से सम्मान खींचा था वह दिखता है। राजस्थान के युवा पूछना चाहते हैं कि उसको संरक्षण कौन दे रहा था, और इसको लेकर के राजस्थान के युवाओं में जो आक्रोश है मित्रों, जिस तरह की अग्नि उनके ध्वजा है हृदय में धनक रही है, मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि अब की बार ये अग्नि
इस कांग्रेस के पुराज को समाप्त करके नहीं, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके राजस्थान से विदा करने वाले। अभी आदरणीय ज्ञान जी ने चर्चा की और देव जी भाई ने अभी बात की, इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो राजस्थान जिसकी पहचान सतियों और सूरमाओं से होती थी, वो राजस्थान जिसकी पहचान पद्मिनी के जौहर से होती थी, जहां अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी शील की रक्षा के लिए 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड में स्नान किया सभी जाति समाज की, और वो जो अग्निकुंड से ज्वालाएं निकली, जो लपटें निकली थी, अनेक पीढ़ियों तक उस आग ने लोगों को प्रेरणा दी, उसके चलते आज हिंदुत्व जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है, सनातन जिंदा है, संस्कृति जिंदा, और हम सब सम्मान के साथ में अपने आप को, गर्व के साथ में अपने आप को हिंदू कहलाने के अधिकारी। ये राजस्थान जिसकी पहचान मीराबाई से थी, ये राजस्थान जिसकी पहचान गोराधाय और पन्नाधाय से थी, ये राजस्थान जिसकी पहचान कर्माबाई के खींचड़े से थी, ये राजस्थान जिसकी पहचान पग पग पर जो सतियों की देवलियां बनी हुई है उनसे थी, उस राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा बलात्कार वाला प्रदेश बनाने का शर्मनाक काम अगर किसी ने किया वो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया, और मैं खुले रूप से कहता हूं कि अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो राजस्थान का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, और उन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति अशोक गहलोत जो है वो विद्यमान। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, हम राव सुल्तान की धरती पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जिस राव सुल्तान ने अपने सिरोही की तलवार के दम पर, और सिरोही का अर्थ होता है सर और उई, जो सर कटा करके संघर्ष करने वाले लोगों की धरती है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के मान बिंदु गांव गौरी गंगा गायत्री गीता इन सब की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, सभी जाति समाज के लोगों ने बलिदान किया, इन बलिदानियों की, इन सूरमाओं की धरती, इस शौर्य की धरती का अपमान यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के पटल पर किया। राजस्थान के सूरमाओं का, राजस्थान के मर्दों का अपमान किया राजस्थान ने उन सब लोगों का जिन्होंने कबंध युद्ध किए, जिन्होंने सिर से धर अड़क हो जाने के बाद में भी युद्ध किए, जिन्होंने राजा, जिन्होंने एक एक महिला की इज्जत के लिए अपनी तीन तीन पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उन मर्दों को लजाने का काम अगर किसी ने किया वो राजस्थान के सबसे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल ने किया, जो सबसे सीनियर है, उम्र में सबसे बड़ा है, अपने आप को सबसे पावरफुल कहते हैं, और आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से मिला करके सबके इस्तीफे दिलाए और कब पिछले दरवाजे से कल इस्तीफे वापस लेकर के गए। उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान के मर्दों के मुंह पर कालिक पोतने का काम और राजस्थान के इतिहास पर कालिक पोतने का काम विधानसभा के उस मंदिर में इस अशोक गहलोत सरकार के मंदिर ने किया। जनता में आक्रोश, जनता में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि राजस्थान में जिस तरह का माफिया पैदा हुआ है, राजस्थान में जिस तरह से पग पग पर माफिया का राज पैदा हुआ है, कहीं बजरी माफिया काम कर रहे, कहीं दारू माफिया काम कर रहे, सिरोही जालौर से पहले भी दारू माफिया के समाचार आए थे, यहीं से पकड़े गए थे, और जो पकड़े गए थे उनको वापस जो है प्रमोशन देकर के पोस्टिंग देने का काम इस सरकार ने किया, कहीं भू माफिया काम कर रहे, कहीं मंदिर पे जमीन हड़पने का माफिया काम कर रहे, कहीं चोरों को संरक्षण देने का माफिया काम कर रहे, और कहीं विधायकों के नेतृत्व में, विधायकों के संरक्षण में भ्रष्टाचार माफिया काम कर रहा है, और इस माफिया के कारण से, इस माफिया के राज के कारण से राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, करौली में दंगा हुआ, राम भगवान राम का रामनवमी का जुलूस चल रहा, भगवान रामनवमी के जुलूस पर आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया में किस तरह से बोतलों में पेट्रोल भर करके आग वाल जला जला करके फेंका गया, किस तरह से धार्मिक स्थान की छत पर से पत्थर फेंके गए, लेकिन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा यह थी कि जहां पत्थर फेंके गए, जिन लोगों ने पत्थर फेंके, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, उनके खिलाफ जांच में तुष्टिकरण हुआ, भेदभाव हुआ, उनको जांच में संरक्षण दिया, गिरफ्तारी में भी भेदभाव हुआ, गिरफ्तारी के बाद में जब चालान पेश किया तो चालान पेश करने में भी भेदभाव हुआ,
और वापस जमानत होने देने के बीच में भी भेदभाव किया, उसका परिणाम हुआ कि उसके बाद भीलवाड़ा में दो बार दंगे हुए, अपने जोधपुर में दंगा हुआ। जोधपुर में दंगा हुआ ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे ईद के दिन दंगा हुआ। दंगाइयों ने लोगों के घरों में पेट्रोल पंप फेंके, लोगों के घरों में पत्थर फेंके, चलते रास्ते लोगों के पीठ में चाकू भोंके, घरों में हमला किया। और जब हिंदू युवक बाहर निकल करके अपने घर को बचाने के लिए बाहर निकल करके अपने बहू बेटियों की इज्जत को बाहर बचाने के लिए बाहर निकल करके और चौकीदारी कर रहे थे, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कि हमने 10 उनके पकड़े तो 10 आपके भी पकड़ने पड़ेंगे। मैंने पूछा भाई हमारी गलती क्या है, तो कि ये बाहर निकल करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जिस राजस्थान में हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो युवाओं हनुमान की शक्ति को जागृत करके इस राजस्थान की जनता का, इस राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को हनुमान जी ने जिस तरह से पहाड़ उखाड़ा था उस तरह से उखाड़ करके अब की बार समुद्र में फेंक करके आने। राजस्थान में जिस तरह के हालात उसके कारण से बने, उसके कारण से कन्हैयालाल टेलर का सिर धड़ से काट करके अलग कर दिया। क्या गलती थी उस कन्हैयालाल की? उसकी दुकान पर जिस तरह से आकर के धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि धमकियां देने वाले एक मजहब विशेष के लोग थे और सरकार का संरक्षण और तुष्टिकरण उस मजहब के लोगों के साथ में था। दो बार जाकर के पुलिस में लिखित में रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाने के बाद में पुलिस ने उसी से माफी मंगवाई, माफी मंगवाने के बाद में उसी से जो है अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए, 8 दिन दुकान बंद रखी। गरीब आदमी ने देखा पेट कैसे भरूंगा, बच्चों का दुकान खोली, फिर धमकी मिली, पुलिस थाने में जाकर के धमकी के शिकायत दर्ज करा के आया, आखिर में उसका कन्हैयालाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगर केवल एक कन्हैयालाल मरा होता, केवल एक कन्हैयालाल का धड़ सिर से अलग किया हो गया होता मित्रों, तो शायद राजस्थान की जनता के मन में उतना आक्रोश न होता। लेकिन अभी नकल की कारण से व्यथित होकर के एक कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर अपने आप को फेसबुक पर लाइव करके और अपने पिताजी से माफी मांगते हुए जहर खा करके आत्महत्या करी। एक कन्हैयालाल किसान दौसा जिले का, जो ऋण के कर्जे में दबा था, उसकी जमीन नीलाम हो रही थी, अपने बुजुर्गों की जमीन को नीलाम होता देख करके उसने फेसबुक पर लाइव आकर के आत्महत्या कर ली। 3 कन्हैयालाल के बाद में चौथा कन्हैयालाल भरतपुर के मंदिर का पुजारी कन्हैयालाल, वो बेचारा कन्हैयालाल मंदिर की जमीन को जमीन माफिया से बचाने के संघर्ष में उसका गला रेत करके हत्या कर दी गई। एक कानाराम जो पुलिस का सिपाही, बजरी माफिया को रोकने के लिए पुलिस का सिपाही अपने अधिकारी के साथ में गया, जेसीबी से कुचल करके उस कानाराम का, उस कन्हैयालाल का जो है वो हत्या करने का काम इस राजस्थान में। राजस्थान में अब कितने और कन्हैयालाल मारोगे अशोक जी? राजस्थान की जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान की जनता आक्रोशित है, राजस्थान की जनता आपसे नाराज है, आपके प्रति गुस्सा है। केवल इतना ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार 2013 से 18 तक थी, देश में मोदी जी की सरकार थी, प्रदेश में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही थी, और उस डबल इंजन की सरकार के चलते जितनी योजनाएं मोदी जी ने लागू की, चाहे आपका बैंक का खाता खोलने की योजना होगी, आपके हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना होगी, आपके हर घर में शौचालय बनाने की योजना होगी, गरीब का घर बनाने की योजना होगी, किसान को किसान सम्मान निधि मिले उसकी योजना होगी, इन सारी योजनाओं, मैं योजनाओं की बात तो आज विस्तार से नहीं करूंगा, योजनाओं की बात तो करनी हो तो नारायण जी एक दिन अटे अपर अटे जागरण राखनो, अपर जागरण देख नहीं बैठे कन्नो जागरण कराओ, किन्नो किन्नो करा, माताजी करा, महादेवजी करा, माताजी मंदिर में जागरण करा, बोबा जी करे जागरण, आपे जागरण करा तो कई कई चाहिए आप, एक तो चाहिए आप भजनी, एक भजनी रे हुंकारो, हुंकारा रे साथे चाहिए आप एक वो पेटी बाजो कहे के हारमोनियम, एक चाहिए तबलो, एक ढोलक बजावण वाला, एक मंजीरा बजावण वाला, बे तीन वे आजकल और क्या आवे इतना मोटा मोटा बाजे कहे के मैंने ठाणी टू 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 बाजे कहे के भाई वाले ऑर्गन, एक वो टन टन वाला 2 डंडिया लेर बजावे वो भी चाहिए, इतना चीज तो चाहिए कि नहीं चाहिए, 3-4 माइक चाहिए, पर आप भजन करा बाबा बाबूजी ने तो और भी की चाहिए वो मुंह नहीं बोलू भाई, पर आप भजन करा रात रात, भजन रात जो है भजन मंडली वाला 9 बजे शुरू करे,
12 बजे तक भजन में ऊन कुड़ बैठे जिन्हें घर में नींद नहीं आवेनी वे जरा जार सब वो उठा भजन में बैठ रहा वहां की सब घरे जार सो जा एक भी जाग तो नहीं रहा 12 बजे बूढ़ा ठाडा डोकरा वे वे भजन में बैठ आप अरे मोदी जी की सरकार की योजना और जागरण एक दिन नारायण जी आप पर जो है भोपा जी दो ही राख ली और मैंने बुला ली मैं तो मारे कोई जो है ढोलक चाहिए ना मंजीरा चाहिए ना पेटिया चाहिए ना वो ऑर्गन चाहिए ना कोई ढोरगन चाहिए की नहीं चाहिए एक माइक लगा दी दो वो हाथ जोधपुर आओ जन रस्ता में ज्ञान जी ले आओ मैं दो ही मिल और पूरी रात आपने जागरण रात ना 9 बजे लेट सुबह 6 बजे तक योजना वालों जागरण कर दे और मारी एक गारंटी मैं गारंटी के साथ में एक बात कहता हूं उसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है मोदी जी की योजनाओं का जागरण करूंगा 8 साल से लेकर के 80 साल तक एक भी आदमी रात को आंख नहीं झपका पाएगा और एक भी आदमी उठ करके नहीं जा पाएगा क्योंकि हमने योजनाओं पर काम किया लेकिन राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी हम सारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में देश में पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर होते सारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में पहले 3 पायदान पर होते राजस्थान प्रगति के पैमाने पर राजस्थान सबसे अग्रणी प्रदेश हुआ करता आज राजस्थान के क्या हालात इस सरकार ने बना करके भेजे अभी देवजी भाई ने चर्चा की माननीय मोदी जी ने आप सबको उन योजनाओं के बाद में कहा कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए हर घर तक पीने का पानी और पहुंचाने के उद्देश्य से 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय मोदी जी ने मुझे दिया मैंने नियम बनाने का अधिकार मेरे पास था नियम बनाने का अधिकार मेरे पास था तो मैंने इस तरह के नियम बनाए कि सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को मिलना चाहिए इन पिछले 3-4 साल में राजस्थान की सरकार को मैंने 27,000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि हर घर तक पानी पीने का आप काम करना शुरू करिए राजस्थान में 1,05,00,000 घर है 1,05,00,000 घरों में से मैंने 95,00,000 घरों की DPR सैंक्शन करके SLECC में सैंक्शन करके प्रोजेक्ट बना करके अनुमति दे दी क्या आप टेंडर करो टेंडर करके काम शुरू करो और हर घर तक पीने का पानी पहुंचा करके मेरी इन माताओं बहनों को पीने के पानी को ढोने के अभिशाप से मुक्त करो क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ है मैंने देखा है अपने बचपन में माताओं बहनों को सिर पर मटका उठा करके 5-5 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हुए देखा है आप सिरोही की माताओं बहनों को 5 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता होगा 500 मीटर जाना पड़ता होगा 5 किलोमीटर सुबह जाना और 5 किलोमीटर वापस जाना है शाम को फिर जाना है शाम को फिर वापस आना एक दिन में 20 किलोमीटर की यात्रा मेरी माताएं बहनें करती हैं उनके माथे पर से घड़े का अभिशाप उतारने का आशीर्वाद माननीय मोदी जी ने 3,60,000 करोड़ रुपए दे करके दिए जब हमने काम प्रारंभ किया था पूरे देश में केवल 16% घरों तक पानी जाता था 3,23,00,000 घर तक पानी जाता था आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 3 साल पूरे हुए हैं और इस 3 साल में 16% का आंकड़ा जो है वो 56% हो गया है 10,85,00,000 घरों तक पीने का पानी पहुंच गया आज हमने 7.5 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के घर से उस मटके का बोझ उतारने में मुक्ति से मुक्त करने में हमने सफलता प्राप्त किया उनका पुण्य और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में खड़ा लेकिन जब मैं राजस्थान की तरफ देखता हूं मारवाड़ी में एक कहावत वे ऑपरेट है वेक नहीं वे मोरियो पगा हम ही देखे जन रोया वे ऑपरेट है वे भी हाँ भरो मैं जब राजस्थान की तरफ देखता हूं वो राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1 नंबर का प्रदेश होता था 2 नंबर का प्रदेश होता था आज वो राजस्थान इस पीने के पानी पहुंचाने की कवायद की दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो है तो अभी भी 2 नंबर पे पर वो 2 नंबर ऊपर से नहीं है 32 प्रदेशों में काम चल रहा है उसमें नीचे से 2 नंबर 27,000 करोड़ एक सबसे ज्यादा पैसा देने के बाद में भी ये राजस्थान की निकम्मा नाकारा सरकार केवल 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है बाकी 22,000 करोड़ रुपए के बजट पर ऊंटा जो है कुंडली मार करके बैठे मैंने इनसे कहा तुम 27,000 करोड़ खर्च कर दो मैं राजस्थान की माताओं बहनों के माथे पर से मटके का बोझ उतारना चाहता हूं मोदी जी का मुझे आशीर्वाद है मैं 27,000 खर्च कर दो मैं 27,000 करोड़ और देने के लिए तैयार हूं लेकिन ये खर्च भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके ठेकेदार जब तक इनको चांदी नहीं देते ठेकेदार जब तक इनको मलाई नहीं देते कमीशन नहीं देते और इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो फोटो लगी हुई है सामने दाढ़ी वाले की जब यहां आए तो उससे पूछना कि तुम इतना काम कर रहे थे कि काम करते करते सो गए थे उनसे पूछना कि तुमको पैसा दे दिया उसके बाद में भी सिरोही जिले के ये हालात क्यों है मैंने एक चीज समझ में नहीं आवे सलाहकार कोई ने बनावे तो कोई समझदार आदमी ने बनावे कि कोई फेल आदमी ने बनावे आप कहते कितना साल ओढ़को मैं वहां जद ओढ़कू जद मैं कॉलेज में हाथे पढ़ता
हमारे आते ही पड़ता, एक दिन पूछे मिले थे ना, हम चार पूछ ली तो मैं मंच पर नहीं बता सकता। मैं उनको तब से जानता हूं। जो आदमी मुख्यमंत्री का सलाहकार बना हो, जहां देश में मैंने कहा 40% काम हो गया पिछले 3 साल में, 40% प्रगति हो गई है राजस्थान में, आज 22-23% प्रगति हुई है। 12% पर राजस्थान होता था, 22% भी नहीं है, 12% घर तक पानी पहुंचता था, 1.5 करोड़ में से केवल 12-13 लाख घरों में पानी पहुंचता था। आज 3 साल बाद में कुल मिलाकर के वो आंकड़ा जो है वो लगभग 26-27 लाख के आसपास में पहुंचा, 15-16% काम हुआ। और सिरोही में अगर मैं देखूं तो सिरोही में कुल मिलाकर के 1,88,000 घर, जिस दिन काम शुरू किया था देवजी भाई, जिस दिन राजस्थान की सरकार ने माननीय मोदी जी के जल जीवन मिशन का काम शुरू किया था, उस दिन राजस्थान में 43,000 सिरोही में 43,000 घर में पानी जाता, 1,88,000 में से 43,000 घर में उस दिन भी पानी जाता था। मोदी जी की सरकार द्वारा पैसा देने के बावजूद भी आप सबको, अब सुनो हमारी बात, जाओ मत वहां से, उठो पर जाओ मत, आपकी बात ही कर रहे हूं मैं, 18 यहाँ पे पैसा देने के बावजूद भी सैकड़ों करोड़ रुपए आपको देने, आपके पानी से आपके माथे से घड़े का बोझ उतारने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए देने के बावजूद भी इस संयम लोढ़ा जी के सिरोही में जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उसमें अब तक कुल मिलाकर के 20-22 हजार घर नए जुड़े जिनमें पीने का पानी पहुंचने लगा। देश में 40% काम हुआ, राजस्थान में 18% काम हुआ और सिरोही में जो है अभी 12% काम हुआ है। क्यों भाई पूछो, जो 12% वाला फेलियर आदमी है वो अगर जिसका एडवाइजर होगा वो क्या निहाल करेगा। राजस्थान में सबसे पिछड़े हुए प्रदेश जिलों में से अगर कोई इस काम की प्रगति में है तो वो सिरोही है। लेकिन एक बात का भरोसा दिलाता हूं मां साहब आपको, मोदी जी ने वादा किया है 2024 तक का, 2024 के अंत तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, वादा हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। 2023 में इनका राज जाने वाला है, दीवार पर लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ है सामने महाक्रोश सभा जन आक्रोश सभा, वैसे पढ़ सकता हूं कि ये राज जाने वाला है। अब 2023 में कब जाएगा, अभी ज्ञान जी कह रहे थे कि 2023 के दिसंबर का, अगली बार जब दिसंबर का अंत आएगा और जनवरी आएगी उससे पहले चला जाएगा। पर मुझे अभी दिल्ली में एक दिन एक पत्रकार बता रहे थे, अभिषेक जी खड़े होंगे कहीं, उनका दोस्त है, वो मेरे को मिलने आया था, वो मेरे को कह रहा था कि भाई साहब राजस्थान में जो आपस में ठोकी दी है, मने लगे कि चुनाव थारू कर्नाटक रे भेड़े हो जाते, जिस तरह का आक्रोश है मुझे लगता है और जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी हुई है, दिसंबर 2023 तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे पत्रकार बता रहा। लेकिन एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का जो सपना है वो जो तय समय किया उस समय तक पूरा करेंगे, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, पहुंचाने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखे। आपके घर से आपके सर से मटके का बोझ उतारने का लक्ष्य संकल्प नरेंद्र मोदी का है 2024 तक, उस संकल्प को पूरा करेंगे। और भरोसा रखिए कि मोदी है तो मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। सिरोही में जब मैं सुबह पहुंचा, सिरोही से लेकर के रास्ते में 3 जगह रुका और यहां आप सब लोगों के बीच में जावाल में आया। सिरोही में पहुंचा था शिवगंज में, जोधपुर से रवाना होकर के शिवगंज में जब सड़क पर पहली बार मेरे को माननीय जिलाध्यक्ष जी ने रिसीव किया, इन्होंने स्वागत किया, तब पहला पर्चा पकड़ा है। और तब से लेकर के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले, देवजी भाई तो मुझे दिल्ली में पकड़ाते ही रहते हैं, बाकी सब लोगों ने भी जो है एक पर्चा पकड़ा है कि राजस्थान में जो जवाई पुनर्भरण का पानी है उसमें सिरोही के हिस्से को बढ़ा करके 1,000 MCFT से 2,000 करना है कि नहीं करना है। ये करने की ताकत जो है वो भारत सरकार के पास नहीं होती, वो राज्य की सरकार के पास होती है, ये निकम्मा सरकार नहीं करेगी। मैं आपको भरोसे के साथ में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप पूरी ताकत के साथ में बनाना, सिरोही के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, सिरोही के न्याय को न्याय मिलेगा, सिरोही को सिरोही के हिस्से का पानी मिलेगा। जो माही का पानी लाने की बात है, गुजरात सरकार से हम निरंतर बात कर रहे हैं और वो गुजरात सरकार के साथ में हमारी वार्ता जो है वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मैं आपको भरोसे के साथ में कहना चाहता हूं
थोड़े से दिन और इंतजार करिए, जो पीढ़ियों से हम सपना देख रहे हैं कि माही में हमारे हिस्से का पानी हमको मिलना चाहिए, वो सपना भी आपका साकार होगा और साकार होकर के रहेगा।